आफ्टरनून टू माय ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। आज हम आपके लिए जैसे कि प्रीवियस लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आज उसी क्रम में हम आपके लिए सब्जेक्ट मैथ है चैप्टर जीरो रिवीजन, जिसका पार्ट सिक्स आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो इससे पहले के क्वेश्चन सारे सोल्यूशन हमने करवा दिए, अब आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, आज इसको समझ लेते हैं। लिखा है कि राइट ऑल द थ्री डिजिट नंबर्स, राइट ऑल द थ्री डिजिट नंबर्स, यानी लिखिए लिखिए, राइट मीन्स क्या था, लिखना, ऑल द थ्री डिजिट नंबर्स, ऑल मीन सभी, बाकी कोई मीनिंग नहीं, थ्री डिजिट मतलब तीन अंकों वाले, नंबर्स मीन संख्याएं, यूजिंग मीन्स के उपयोग से, द फॉलोइंग डिजिट्स, निम्नलिखित अंकों की, ओनली वंस यानी केवल एक बार, यानी अंकों का केवल एक बार, यानी 100 के प्लेस पे अगर इसका यूज करेंगे तो इस तरह से, मतलब अंकों का एक बार प्रयोग करके जो है हमसे संख्याएं क्रिएट करने के लिए कह रहा है। यानी ये तीन अंक है और इनके द्वारा इनका एक बार प्रयोग करके जो है हमको जो है कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं उसको जो लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि अगर थ्री डिजिट का नंबर है आपके पास या थ्री डिजिट है दिया गया, तो उससे थ्री डिजिट वाले जो थ्री डिजिट के नंबर्स होते हैं यानी थ्री डिजिट है, तो थ्री डिजिट के नंबर क्रिएट करने के लिए अगर तीन अंक है यानी थ्री डिजिट है तो उससे सिक्स नंबर्स क्रिएट होते हैं, छह संख्याएं बनती है। तो पहला नंबर तो आपको यहाँ पे दिया गया, भले हम अगर बता देंगे तो एक नंबर देखिए क्रिएट हो जाएगा आपका, पहला हो गया है आपका 5 6 7, ठीक। अब दूसरा 6 5 7, तीसरा 7 5 7 7 5 6, ठीक है। एक दो तीन नंबर आपके क्रिएट हो गए। अभी आप अगले नंबर को क्रिएट करने के लिए देखिए कैसे करेंगे, आप याद देख रहे हैं 6 10s के प्लेस पे है, 600 के प्लेस पे, आज 6 1s के प्लेस पे भी हो गया, 5 आपका 100 के प्लेस पे भी, 10s के प्लेस पे भी, और क्या 10s के प्लेस पे भी है, ठीक है। तो अब हम अगला नंबर क्रिएट करने के लिए करेंगे क्या, अगला नंबर क्रिएट करने के लिए हम करेंगे, अब यहाँ 7 आप देख रहे हैं या 1s के प्लेस पे है या 100 के प्लेस पे या से, लेकिन 10s के प्लेस पे 7 नहीं है, तो अगला नंबर क्रिएट कर रहे हैं 5 7 6, ठीक है 5 7 6, देखिए 5 6 7 6 5 7 7 5 6 5 7 6 हो गया, 1 2 3 4, फोर नंबर्स क्रिएट हो गए। अभी आप देख रहे हैं 6 7 है, 5 7 है, 5 6 है और 7 6 है, ठीक है। तो आपका अभी क्या नहीं है, लास्ट में आप देख सकते हैं कि लास्ट में 7 5 कहीं, 5 7 तो दिया गया है लेकिन 7 5 नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा आगे कि 6 7 5, अभी कितने नंबर्स क्रिएट हो गए आपके, 1 2 3 4 5, हमने बताया था अभी आपको कि अगर थ्री डिजिट दिए हैं और उसके उससे बनने वाले थ्री डिजिट के नंबर्स आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको 6 नंबर्स उससे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से डिजिट जो है दी नहीं गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 6 7 हो गया, 6 5 7 हो गया, ठीक है। तो 500 के प्लेस पे हो गया, 10s के प्लेस पे हो गया और 1s के प्लेस पे हो गया, 7 जो है 100 के प्लेस पे हो गया, 10s के प्लेस पे हो गया और यहाँ 1s के प्लेस पे हो गया, ठीक है। अब 6 जो है 10s के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, 1s के प्लेस पे हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 6 7 5 7 5 6 7 6 और 7 5 हो गया, 7 6 और कहीं आया नहीं है। अभी हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, 6 5 है,
सिक्स फाइव आप देख लीजिए जरा, यहाँ पे कहीं भी जो है टेंस के टेस्ट पे सिक्स और ऑन्स के टेस्ट पे फाइव नहीं आया है। तो हम इसी को लिख सकते हैं जरा यहाँ पे देख लीजिए, हम लिख सकते हैं सेवन 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 सिक्स फाइव सेवन सिक्स फाइव। तो इस तरह से जो है हम नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख लीजिए सेवन सिक्स फाइव यानी वन्स के प्लेस पे फाइव और टेंस के प्लेस पे सिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमको देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको अगर थ्री डिजिट का नंबर है और अगर एक बार संख्याओं को एक एक बार प्रयोग करके हमको नंबर्स क्रिएट करने हैं तो इस तरह से हमारे नंबर्स जो है बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया और आशा करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमको वन बाई नंबर्स को वन बाई वन जो है टेंस वंस और हंड्रेड के प्लेस पे पुट करके हमको नंबर्स क्रिएट करनी है, और जो कि काफी आसान है, बस थोड़ा सा समझते हुए करना है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका वो आपका होमवर्क है, उसको आप होमवर्क में करके कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जरा लुक एट द पैटर्न, क्रम को देखिए, क्रम को देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स और खाली स्थानों में भरिए या खाली स्थानों की पूर्ति करिए। क्रम देखते हैं कैसे, क्रम देखते हैं जैसे देखिए आपने नंबर्स दिए गए हैं 18 दिया है, 20 दिया है, 22 दिया है, तो इसके कल से क्यूटिव वे में कौन से नंबर्स फिर आएंगे ये कैसे पता चलेगा। तो हम क्या दोनों नंबर के बीच का गैप देखते हैं, इन दोनों नंबर्स में आखिर हुआ क्या है, फिर आगे के दो नंबर्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे अभी हम आप 20 और 18 के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, अगर मान लीजिए हम इसको 20 में से 18 को लेस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 10 माइनस 8, यहाँ पे 0 है तो यहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 0 10, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 और यहाँ बचा 1 क्योंकि इसने इसको 1 कैरी दिया था, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो हम ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि 18 से 20 लाने के लिए हमको 2 ऐड करना पड़ रहा है, या आगे वाला नंबर लाने के लिए आगे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को क्या करना है, पहले वाले नंबर लाने के लिए आगे वाले नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो सिंपल है लॉजिक की 18 to 20, 20 to 22, तो यहां से गैपिंग आपको पता चल जा रही है कि दो दो का गैप आपका हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप यहां देखना चाहें, क्योंकि 20 में से 18 लेस किए तो 2 आया, यानी अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 ऐड किए तो 22 आया, यानी जब हमको दो नंबर के बीच में, दो तीन नंबर के बीच में रिलेशन पता चल गया कि आगे कौन सा नंबर कैसे आ रहा है, तो हम यहां भी कह सकते हैं कि इसके बाद वाले नंबर में 2 ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद वाले नंबर में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसके बाद भी 2 ऐड करके अगला नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर आगे भी हम ऐसे कंसेक्यूटिव वे में ऐड करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सिंपल है, थोड़ा सा समझना है और आसानी से आप कर लेंगे। तो 18 हुआ, 20 हुआ और 22 है, तो दो दो का गैप था बीच में, दो दो ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन कर रहा है, तो हम आगे के नंबर को फिल करना है। सिंपल है, 22 में 2 ऐड करेंगे, अब जैसे आगे का नंबर ऐड करना है, पता करना है तो 22 में 2 ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 224 और जो है 2 यहाँ आ जाएगा। हम जानते हैं सबसे पहले वंस की डिजिट को ऐड करते हैं, तो ये आ गया 24, अब 24 हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर 2 ऐड करेंगे तो 2 ऐड करने के बाद जो हमारा आ जाएगा 26 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, फिर ऐसे 2 ऐड करेंगे, क्योंकि बीच का गैप आपको पता चल गया,
बीच का इन दोनों के नंबर्स के इन दो नंबर्स के बीच का क्या रिलेशन है, एक दूसरे से क्या गैप है और क्या ऐड करने क्या क्या सेपरेट करने के बाद अगला नंबर आ रहा है, ये हमको पता चल गया। उसके साथ हम जो है आगे वाला नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से 30 में क्यों ऐड करेंगे, 32 हो जाएगा, ठीक है। इजिली इसी तरह से हम देखते हैं 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। आप देख रहे हैं सिंपली है, अगर हमको रुपीज दिए जाते हैं, मान लो 15 रुपीज दिया गया, फिर 20 दिया गया, तो एक 5 का कॉइन और ऐड कर दिया गया, दूसरी बार जब दिया गया, फिर अगली बार 25 दिया गया, फिर 5 का कॉइन ऐड हुआ, यानी 5-5 ऐड करने के बाद, यानी 5-5 एडिशन हो रहा है अगले नंबर को फाइंड आउट करने। जैसे इसमें 5 ऐड किया, देखो 15, 5, 20, क्लियर कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। 15 और 5 ऐड करेंगे, 5 and 5 = 10 हो जाएगा। 10 ऐसे लिखते हैं, जिसका वंस का प्लेस 0 होता है तो वंस के प्लेस नोट कर लेते हैं, 10 का प्लेस क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 1 और इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ये ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2, यानी 2 0 हो जाएगा। तो अगला नंबर 15 में 5 ऐड करने के बाद 20, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ भी 5 ऐड करने के बाद अगला नंबर आ रहा है, यस 20 में 5 ऐड करेंगे 25। तो इजिली हम यहाँ से कह सकते हैं कि आगे के जितने भी नंबर आएंगे इस कंसेक्यूटिव वे में, वो आएंगे 5-5 ऐड करने के बाद। तो 15, 5, 20, 20 and 5, 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो तुम्हारा 35 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 40, फिर 5 ऐड करेंगे, देखो 40 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो वंस के प्लेस पे 0 है, नीचे भी जो एजेंट है आपका 5 है, तो 5 में 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, और 10 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है ना, कोई कैरी बच रहा है, इसलिए 4 का 4 ही रह जाएगा, 45। यानी इजिली हम कह सकते हैं, अगर आपको दो ये इन दो नंबर और इन दो नंबर के बीच का गैप या रिलेशन पता चल गया तो हम आगे के नंबर इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। 40 में 5 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 5050 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट का क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे थे, आप इसको फाइंड आउट करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी डाउट हो रहा है बेटे, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कहीं भी कोई डाउट हो रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, सर यहाँ नहीं समझ में आया, इसको आप दोबारा समझा दीजिए, दोबारा से उसके बारे में सोल्यूशन बता दीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बेटे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको हर लेक्चर्स पसंद आएंगे और अच्छे से लेक्चर्स को सुनिए, देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसको दो बार उसी को रिपीट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और भी बच्चे आपसे जुड़े हुए जो हैं उनको भी आप ये वीडियो अगर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी की आप इससे मदद हो जाएगी, तो उनको भी ये जो है शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है कुछ हेल्पफुल हो सके उनके लिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।